नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल पंप। तो जी हां, पिछले कुछ दिनों से भसार सा मचा हुआ है यूट्यूब पे। भसार ये है कि भारतीय युवा जो हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से हमें कमेंट कर रहे हैं और उनका दिल टूटा है। दिल इसलिए टूटा है कि आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसने क्राइम किया है। जी हाँ, सरेआम इसने होंडा ने क्राइम किया है। क्राइम ये किया है, युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके इमोशन से खेला जा रहा है। जो युवा कल तक होंडा से प्यार करते थे वो अब नफरत करने लगे हैं। हाल की ही एक घटना ने पूरे देशवासियों के युवाओं का दिल दहला दिया है। घटना ये है, जो होंडा आप देख रहे हैं ये इसने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें जिसने इन्हें बनाया है बहुत बड़ी गलती की है। रात में एक भाई का हेडलाइट ऑफ हो गया था, उनकी जाने जा सकती थी। घटना है वेस्ट बंगाल की, पुणे की, सिक्किम की, दिल्ली की, हर जगह की। दोस्तों घटना काफ़ी बहुत बड़ा घटना, मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही ऊंचे लेवल का है। दोस्तों मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन मैं घातक, हाँ घटना घातक है। दोस्तों मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, मेरे कई दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है। दोस्तों अब दूसरे एंगल से हम बात करते हैं। दोस्तों पूरे दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, तूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह से खबरें आ रही हैं कि इसमें कॉस्ट कटिंग के नाम पे बहुत गंदी क्वालिटी की चीज़ें दी गई हैं। फाइबर से लेकर पेंट तक, स्टिकर से लेकर लाइट को दोष नहीं देगा। तो हाँ, हैंडल बार सब में दिक्कतें पाई गई हैं और एरर पाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, लेने से पहले सचेत रहिए, सावधान रहिए, और जब लेने जाएं तो एकदम ठोक बजा के लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद रौसी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल पंप होंडा तक। ये तो थी फनी बातें, मैंने इंट्रो दिया था। तो अब करते हैं ऑन ए सीरियस नोट, बातें करते हैं। तो ऑन ए सीरियस नोट, कल मैंने वीडियो बनाई थी ओवरहीटिंग और आरपीएम से रिलेटेड। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे जवाब दिया है, अपना रिप्लाई दिया है कि ये क्यों हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। अब दो वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, जो कि मैंने जो कुछ मुझे लगा वो मैंने बताया। और एक भाई कह रहे थे कि होंडा को आप सपोर्ट में बोल रहे हो, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? होंडा रैप्सोल 1000 दे देगा क्या मुझे तारीफ़ें करने से? मैं किसी का तारीफ़ क्यों करूं यार? पूरे इंडिया से, मतलब जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं या जो भी इसके ओनर हैं, सब रो रहे हैं सर पकड़ के। और मेरी एक दो दोस्तों से बातें भी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। और आज मैं बाइक जब वॉश करवा रहा था तो मैंने दो तीन चीज़ें देखी हैं। आप जितने भी होंडा यूजर हैं, आप लोग पागल है कहाँ? आप लोग बेवकूफ़ है? आप लोग बात करते हैं फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं दिया। अरे भैया, ऐसा फिट एंड फिनिश कोई नहीं देता है। 1,60,000 रुपया लगा है, जो पता है ये एकदम उसी हिसाब से दिया है फिट एंड फिनिश। जानते हैं क्या क्या दिया है? एकदम मस्त दिया। आप लोग बेकार इतना वीडियो बना रहे हैं। देखिए ना, फिट एंड फिनिश के नाम पर क्या है, देखिए देखिए ना, आप देख रहे हैं जो सेक्शन है, कनेक्टिंग सेक्शन है, ये जो ये भूलिए गया इसको रंगना। इतना बड़का भैया आप कैसे कर सकते हो, कैसे भूल जाओगे? पूरा इंजन ब्लैक ब्लैक है आपके आंखों में। मतलब इसको किसको दोष दिया जाए? होंडा वालों को दोष दिया जाए या जो यहाँ असेंबल करते हैं उनको दोष दें? किसको दोष दें? देखिए तो भूल गया है बुड़बक, ये तो ही हो गया। और देखिए, और ये पैनल देखिए, साइड पैनल ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे स्पीड क्या भगाया, ये पैनल, ये जो रबर का ग्रूव है वो ब्लैक, ये वाली यहाँ से ये देखिए बाहर निकल आया। मतलब क्या है ये, क्या है? इस पर लात मारूँ, इसको तोड़ दूँ? ये तोड़ दूँगा, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है साला, आप पेंट करवाना छोड़ रहे हो, भूल रहे हो, ये आँखें नहीं है क्या? ये ब्लैक है पूरा सेक्शन, ये एरिया ब्लैक है, वो आँखें नहीं थी क्या? वो भूल रहे हो आप? यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी है? हाँ, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन यार पूरे इंडिया से सब लोग का आ रहा है, तो मेरा हक बनता है ना एज ए यूट्यूबर, एज ए ओनर बनाना। ये उखड़ रहा है, फिर ये वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये उखड़ जाएगा। मैं लॉन्ग ट्रिप कैसे जाऊँगा बताओ? ये उखड़ जाए, ये साला ख़राब हो जाए, टूट जाए। ये तो ये हुई, और इधर का भी ये पैनल, ये ढक 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 आवाज़ आ रही है इससे भी तेज़ चलाने पर। हम तेज़ नहीं चलाएँगे क्या? इसको घर में रखने के लिए थोड़ी लिए हैं ये। हो ब्रेक, मतलब अब ब्रेक काम करता था, अब ब्रेक भी काम नहीं कर रहा ढंग से, ड्रम ब्रेक की तरह ये काम कर रहा है पीछे का। इसे लगाने, अप्लाई करने पे क्या अप्लाई करें? हाँ,
ये ना ड्रम ड्रम जैसा हम भैया ड्रम ब्रेक देने के लिए इतना पैसा 1,60,000 रुपया हराम का पैसा नहीं आता यार, हराम का नहीं आता है। चलो मेरे साथ नहीं है, पूरे इंडिया में यार वेस्ट बंगाल से इतना मैसेज आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, पूरे इंडिया से मैसेज आ रहा है। ये घंटा क्या है, 1,60,000 रुपये में आपने दिया क्या है हुँ? मैं बहुत होंडा से वो करता था, नहीं अब नहीं, हद हो गई भाई, हराम का पैसा नहीं आता यार। इसे जान लो, इंडिया से पंगा लेना बहुत गलत बात है। अगर इंडियन यंगस्टर ने लेना बंद कर दिया होंडा की बाइक्स, तो आप समझ रहे हो ना कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, और ये चीज़ ये सॉल्व करनी पड़ेगी एनी हाउ, आपको ये सब चीज़ें फिनिश करना पड़ेगा। एक तो इसमें 500 एकड़ डलवाता हूँ, 5 लीटर या 4 लीटर रहती है, तो ये एक ही बार शो करता है, ये देखो पेट्रोल बार है जो एक ही शो करता है। अब इसमें क्या इसका क्या दिक्कत आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा यार। प्लीज़ होंडा प्लीज़ यार, इतने अच्छे लुक के साथ उतारे हो। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखा, नोटिस किया, ये जो जैसे इसका पाइप है ना, तो इसको लोग सस्ता ड्यूक बोलने लगे भाई, लोग बोल रहे सस्ता ड्यूक है, सस्ता ड्यूक, गरीबों की KTM। बताओ होंडा, हम ये सुनने के लिए लिए थे गरीबों की KTM, हाँ ये गरीबों का KTM है, 1,60,000 रुपये गरीबों का हो गया, मतलब आपने ऐसा चीज़ दिया क्यों जो हम गरीबों का KTM सुनना पड़ रहा है। ये चीज़ आप देखो, जैसे इसे मैं एरर नहीं बताऊंगा, एरर नहीं कहूंगा, अब ये कंपनी क्या सोच के दी है मुझे नहीं पता। जैसे देखिए यहाँ पे मोटा है सेक्शन और बीच में स्लीकर है, ठीक है, ये एरिया जो है ना ये स्लीकर है और फिर नीचे सही है, तो यहाँ पे स्लीकर और यहाँ पे मोटा और फिर यहाँ पे पतला, तो ये पता नहीं क्यों है, दूर से थोड़ा सही नहीं लगता है, बाकी ठीक है, ड्यूक जैसा रहता तो और बेटर होता। एक भाई का देख रहा था मैं, हाँ ये जो स्राउट है यहाँ से पूरा फटा हुआ था, टूटा हुआ था, उसने कंप्लेन करा लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं, फेविक्विक से चिपका के दिखा रहा था, इतना गंदा लग रहा था यार। कोई बंदा इतने पैसे दे के बनवाता है तो आप सर्विस में फेविक्विक से चिपका के दोगे, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं सोच रहा था इसके बाद अब वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन अब तो बनानी पड़ रही है ना, अब हमें एक होना पड़ेगा, जितने भी होंडा 2.0 ओनर है सब एक होके वीडियो बनाएंगे, तब जाके शायद होंडा तक बात पहुँचे, हायर अथॉरिटीज़ तक बात पहुँचे, इनके ऑफिशियल तक बात पहुँचे और वो कोई फर्दर स्टेप लें, इसे सुधारें, नहीं तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब सुबह को बाइक धुलवा के आया, देखा पैनल, इसका पैनल उखड़ रहा है, मतलब इधर से इसमें जो रबड़िंग दी गई, इसके अंदर जो रबड़िंग है वो उखड़ रही है, मतलब इसके लिए हमने पे किए थे 1,60,000 रुपये। मैटर करता है यार, हम इंडियंस के लिए 1,60,000 रुपये बहुत मैटर करता है, किसी का हार्ड अर्न मनी होता है वो, किसी का ड्रीम बाइक होता है, तो आप ऐसे फेंक दोगे। आपने पता है होंडा, आपने टेस्ट नहीं किया था, जो होता है ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने टेस्टिंग होती है सब रोड्स पे हर कंडीशन में, वो आपने नहीं किया, सीधा उतार दिया, मर जाएगा आप, जिम्मेदारी लोगे नहीं लोगे आप? अगर किसी को खुदा ना खास्ता कुछ होता है, रात में जा रहा है, इंजन ऑफ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे से उड़ा के कोई चला जाएगा, तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन बनाना पड़ रहा है, आए दिन एक ना एक चीज़ मिल रही है, आए ना मेरे सबके साथ मिल रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी गर्व से बोलता था, छाती चौड़ी करके, रैप्सोल है मेरे पास, हाँ रैप्सोल है, आगे से बोल रहा है गरीबों का ड्यूक है, छी गुस्सा आ रहा है यार। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, जितने भी हॉर्नेट 2.0 वाले हो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि उन तक बात जाए।